जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। मल मास के महीने में हमें कौन कौन काम करना चाहिए? तो मल मास के महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए, मल मास के महीने में कुछ उपाय करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मल मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और धन धान की कमी भी पूरी होती है। सूर्य की गणना के आधार पर प्रायः इन दोनों माह को धनु मास और मीन मास कहा जाता है। इन दोनों महीनों में मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। इस माह के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा आदि शुभ काम नहीं किए जाते। मल मास के दौरान दान पुण्य करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से देवों की कृपा बनी रहती है और घर में सुख संपन्नता आती है। मल मास के महीने में भगवान हरि की पूजा आराधना करनी चाहिए और भगवान हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दौरान भगवान हरि के नाम का हवन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। वैसे तो मल मास में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अधिक मास के दौरान श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर परिवार में खुशियां आती है। अगर किसी मनोकामना की पूर्ति करना है तो अधिक मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना भी काफ़ी शुभ होता है। साथ ही इस महीने में हर रोज पानी में दूध मिलाकर तुलसी माता को अर्घ दे। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अगर आप माता लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस महीने में भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करने के बाद तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाएं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा को अधूरा माना जाता है। रोजाना तुलसी का की मिट्टी का तिलक लगाने से धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं और पुण्य प्राप्त करने के लिए अधिक मास में ब्रज भूमि की यात्रा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दौरान ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। और पुरुषोत्तम मास में श्री हरि के इन नामों का जाप करें। विष्णु, नारायण, कृष्ण, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, केशव, माधव, जनार्दन, गरुड़ध्वज, पीताम्बर, अच्युत, उपेंद्र, चक्रपाणि, चतुर्भुज, पद्मनाम, मधुरिपु, वासुदेव, त्रिविक्रम, देवकी नंदन, श्रीपति, पुरुषोत्तम, वनमाली, विश्वम्भर, पुंडरीकाक्ष, वैकुंठ इत्यादि नामों का जप करें।